Namaskar, main hu Lataa Sabharwal and thank you so much for watching Image Empowerment. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में, थोड़े से बेसिक डाइनिंग एटिकेट्स जो हम सबको ही आने चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस डिनर पर जाते हैं या फिर किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो ये डाइनिंग एटिकेट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सूप, जब हम किसी बिजनेस डिनर के लिए जाएं या फिर फैमिली के साथ भी बाहर जाएं तो हमें सूप कैसे पीना चाहिए। क्या आपको मालूम है, इंग्लिश में जब भी हम कभी बोलते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम सूप पीने जा रहे हैं। द राइट वर्ड इज आई एम गोइंग टू ईट सूप। सूप के लिए हम ईट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ये एक सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए कि आपके सामने गरम गरम सूप रखा हुआ है। वैसे मेरे सामने रखा हुआ है। सबसे पहली बात, जब कभी भी सूप आता है टेबल पर, सर्व होता है, आपके गेस्ट सपोज टू भी इधर उधर बैठे हैं आपके साथ, तो आप एकदम उसे चम्मच से लेकर, जैसे बच्चे करते हैं ना, हम घर पर भी कभी करते हैं और बचपन में भी करते थे, ऐसे करके ठंडा मत कीजिए। सूप को थोड़ी देर पर वहीं रहने दीजिए ताकि उसकी जो भाप है, एकदम जो स्टीम निकल रही है उसमें से, वो थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद सूप पीना शुरू कीजिए। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इस तरह से सूप को स्पून में लेते हैं और पीते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। सही तरीका ये है कि हम ऐसे अपनी चम्मच चिल करके बाहर की तरफ सूप को भरें, क्योंकि सूप ऐसी चीज़ है जो अक्सर बहुत गर्म होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कभी गलती से स्पिल हो जाए, गिर जाए, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो डाइनिंग एटिकेट्स हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा हम सूप को ऐसे बाहर की तरफ लें और जो चम्मच का 3/4 है या साइड है, इधर से पिए, ऐसे ऐसे नहीं, एक्चुअली खाएं, पिए नहीं। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें सॉल्ट या पेपर डालने की जरूरत है तो पहले आप टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही डालिए। और अगर जो क्रूएट सेट है, मतलब जिसमें सॉल्ट पेपर रखा होता है, वो आपसे कहीं दूर है, तो आप कभी भी ऐसे करके अपने हाथ स्ट्रेच करके मत उठाइए। आपके साथ जो आपके गेस्ट बैठे हैं या अगर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको पास कर दें, बिकॉज दिस इज नॉट राइट एंड आस्किंग फ्रॉम समवन इज राइट। उसके बाद आप उसमें सॉल्ट पेपर डाल लीजिए। अब इसके बाद साथ में सूप के साथ अक्सर जो है वो ब्रेड्स दिए होते हैं और ब्रेस्ट स्टिक्स दिए होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसे आप कैसे खाएंगे? आप ब्रेड लीजिए, अपनी प्लेट पे रखिए। बटर यूजुअली इस तरह से दिया होता है, अगर ऐसे नहीं हो तो एक पूरा एक बोल में या जो बटर ट्रे होती है उसमें रखा हुआ होता है, तो अगर उसमें रखा है तो आप निकाल के थोड़ा सा अपनी प्लेट के साइड में लगा लीजिए, या अगर इसमें से लेना चाहते हैं तो ऐसे। ये आपने अपनी प्लेट की साइड में लगा दिया। कभी भी उसके बीच में से बार बार बटर उठा के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उसमें से बटर यूज कर रहे होते हैं। आपने ये बटर लगाया, अब इसके बाद कभी भी नाइफ को प्लेस करेंगे तो ऐसे प्लेस करेंगे। इसे हाथ से तोड़ा जा सकता है। इसे हम लेंगे, ब्रेड का एक छोटा सा पीस हाथ से तोड़ेंगे, इसे उठाएंगे, इस पे थोड़ा बटर लगाएंगे और इसे खाएंगे। दोबारा जब लेना हो तो फिर से आप सेम चीज रिपीट करेंगे, थोड़ा सा पीस तोड़ेंगे, बटर लगाएंगे और खाएंगे। मेरा मुंह अभी भरा है। और जब आपका सूप बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब बिल्कुल जो एंड का बचता है, तो आप अपने बोल को इस तरफ टिल्ट करके एंड का जो है वो निकाल सकते हैं। अपनी तरफ टिल्ट करके ऐसे कभी मत निकालिए, बाहर की तरफ टिल्ट कीजिए। मेरा तो काफी भरा हुआ है अभी सूप, एंड का पोर्शन ऐसे टिल्ट करके निकाल लीजिए।
तो इस तरह से आप आराम से एन का पोर्शन भी खा सकते हैं, जो कि हम सबको कई बार बहुत टेस्टी लगता है और आपके ऊपर स्पिल होने के या गिरने के चांसेस भी नहीं है। अब इसके बाद जब हमारा सूप खत्म हो जाता है तो हम ये स्पून कहाँ रखेंगे? अगर तो आपके सूप बोल के नीचे ये प्लेट दी है तो आप स्पून को ऐसे निकाल के ऐसे रखेंगे, पैरेलल टू द टेबल एज, जो टेबल का एज है इसके पैरेलल ऐसे। और अगर प्लेट नहीं दी है तो आप बोल में ही छोड़ दें। और आखिरी बात जो कि बहुत सिंपल है, हमेशा मुंह बंद करके चबाइए। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आर लाइव्स, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट बट द लास्टिंग इम्प्रेशन। अगर आप नैपकिन कैसे यूज करना है उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए और उसे भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।